गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो टुडे मैं कुछ स्पेशल सा बिहार का प्रसिद्ध जो मिठाई होते हैं ना ठेकवा बोलते वो बनाऊंगी आज। तो मैं ऑलरेडी इधर में ऐसा करके रख दिया हूँ डो बना के। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नारियल डाला, चीनी डाला, घी से मैंने पहले थोड़ा सा उसको भुना, इसके बाद चीनी डाला, बस इतना ही। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आज ऐसा कुछ स्पेशल सा तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, मेरा डेली व्लॉग होगा। और अभी अमन को सब कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट खिला के काम वाम करके, तो मैं अभी खा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। तो मैं खाऊंगी ब्रेड और हनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आपको मिलते हैं ये पूरा ब्रेकफास्ट खाने के बाद। तो गाइस मैं ब्रेकफास्ट वो सब कुछ खा ली हूँ। अभी ये मैं इसको मैंने 20 मिनट जैसा रख दिया था ये डो को गून के। अभी मैं बनाऊँगी ठेकवा, दिखाती हूँ मैं कैसे। और मैं तेल ऑलरेडी गरम करके रख दिया हूँ। ऐसा राउंड करके, तो इधर गाइस मैं राउंड डो को राउंड राउंड कर दिया था और थोड़ा सा चिपटा कर दिया था, क्योंकि मैं उधर अभी थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकूँ। मैं इधर फॉक से यूज़ कर रही हूँ ये डिज़ाइन देने के लिए। आप ये कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चम्मच से करते हैं, कोई कहीं से करते हैं, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। और फिर इसको ये तेल में डीप फ्राई कर देना है, और डीप फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा देर रखना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बनता है ये। और ये मुझे सिखाया था मेरा एक बिहारी आंटी था, उसने सिखाया था मुझे छोटे में। और इधर से मैं सीख गाइस ऐसा बन रहा है मेरा ठेकवा, ऐसा डिज़ाइन हो जाता है ऐसे फोक में, ऐसा क्रॉस क्रॉस कर देने से। और ये है मेरा पक गया था। मैंने इधर में क्या बोलते हैं सूजी नहीं डाला, वो थोड़ा सा कमी हो गया, लेकिन कुछ नहीं टेस्टी लग रहा है मुझे। मैंने तो ऑलरेडी खा भी लिया एक। अभी मैं आ गई हूँ भौजू के रूम में, तो ठेकवा टेस्ट कराऊंगी मैं भौजू को कैसा लगा है। लेकिन ठेकवा जितना थोड़ा सा ठंडा होता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आप बोलना आपको कैसा लगा, चलो टेस्ट करके बताइए। अभी तो गर्म गर्म है, बिहार का प्रसिद्ध वो ये जब ना गैस वो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं ठंडा हो जाएगा ना ये जो, तो ये थोड़ा टाइट टाइट हो जाएगा, तो क्रूम क्रूम होता है खाने के लिए। तो वो होगा अभी गर्म गर्म ना इसलिए ऐसे। तो ये रहा भाभी का किचन, अभी मैं फिर जाना पड़ेगा अभी हमको भी। तो अभी मैं भी जाऊंगी, मुझे भी काम करना होगा। अभी भौजू ने भी खाना सब्जी बना रहे हैं, तो मैं भी अभी जाऊंगी, अभी लंच का प्रिपेयर करूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। आपको मिलते ही। A few moments later. आपको कैसा लगा मेरा ठेकवा? बहुत ही बेस्ट है वैसे दानी। अच्छा लगा ठेकवा? बहुत ही अच्छा है। और इधर में मैंने SMM के लिए रख दिया, बाद में दे देना बहन को, दे देना। तो ये आ गया है ड्यूटी से, तो इसके लिए मैं खाना निकाल दूंगी। और मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं ब्रेड खा के मेरा पेट फुल हो गया। और पता नहीं कुछ नहीं खाऊंगी मैं, कुछ अजीब सा झाल झाल जैसा लगा, खाने मन कर रहा मुझे, पर कुछ नहीं। आपको मिलते हैं, बोलो खाना नहीं बात। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरा लंच। तो बुढ़िया ने बोला लंच बहुत खाली खाली हो गया, इसलिए वो बनाने जा रही है ऑमलेट। इसको ब्लैक पेपर के बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत कम पीसा ऑयल के साथ बन गया। तो गाइस फिर से, तो अभी ये जा रहे हैं ड्यूटी और मैं जा रही हूँ मेरे शिवानी भाभी के साथ। सदार जाऊंगी आज, तो मैं आपको सदार का एक एक्सप्लोर दिखाऊंगी। और गाइस शॉपिंग करी गई है क्योंकि आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं, ये हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो डिनर के लिए बैठ गए हैं। यस, तो कुछ लेके आना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद शाम को मिलेंगे गाइस। बाय बाय, मैं तो शाम को मिलूंगा, ये आपको फिर ब्लॉग में मिलेगी। तो गाइस इधर आप देख सकते हैं ये हिरन, इधर बहुत ही ज़्यादा ऐसा हिरन घूमता है, और इधर के आदमी इसको खाते नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी इसको देखते हैं, तो या अलग ही एक सुंदर लगता है ये देखने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग ऑटो मिल गए, ऑटो से अभी जा रहे हैं सदार। आपको मिलते हैं डायरेक्ट सदार बाजार।
सरदार पे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं सरदार मार्केट। आपको मैं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी आपको। और स्पेशल आज इसके लिए आया है, इधर में इतना ज्यादा आर्मी का वो भी है कपड़ा वो सब। तो गाइस अभी भौजू पहुंच गया है थाल बर्तन का दुकान में। भौजू को कुछ वो करना था, क्या बोलते है, दकन बनाना था। वो दाल का फिक्की मिलता है इधर, दाल का फिक्की। इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं भौजू? नहीं पता मुझे भी। दाल मिक्सर, दाल मिक्स, हाँ दाल स्टर्डर दिखा ना। ऐसे मुझे ऐसे बात नहीं, तो गैस इधर में ऐसा वाला मिलता है, लेकिन हम लोग के उधर ऐसा लोकल सा बनता है ना, वैसा बनता है जो बैम्बू से बनता है ना, वो सब बनता है। इधर थोड़ा डिफरेंट है ऐसा है। तो गाइस अभी पहुंच गए हम लोग भाभी का फ्रेम लेने के लिए। भाभी जो स्पेशल गिफ्ट दादा के लिए कर रहे, तो उसके लिए मैंने ये लिया था कढ़ाई वराई रखने के लिए। तो अंधेरा हो गया, अभी मुझे बुचर शॉप भी जाना है, अभी जाऊंगी थोड़ी देर के बाद। आपको दिखाती हूँ मैं डायरेक्ट ये मीट शॉप। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बुचर के शॉप। कब से बुचर के शॉप बोल रहे, लेकिन अभी शिवानी भौजू कहाँ गए, कहाँ चला गया? पैक करने के लिए चला गया। अभी आज हम दोनों को डिनर भी बनाना है, मेहमान आ रहा है, लेट हो रहा है। पानी पूरी चला जा। तो गाइस मैं इधर दुकान में आके मैं ये ले ली हूँ ऑल आउट, ये सख्त जरूरत है हम लोग का घर में, मच्छर इतना आता है। आपने भी लिया ना? भाभी ने भी ले लिया। तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली को डेली मोमो खाने के लिए आ गए। आज मत खाओ बोला था हस्बैंड ने मुझे, अभी आ भी नहीं है, क्या बोलते है? अभी तक शिवानी भाभी भी बिजी है। तो मोमो आपको टेस्ट करके बताइए, दिखाइए मसाला, चाट मसाला, चाट मसाला डाला क्या, क्या डाला पता नहीं। टेस्ट मसाला लेना मीठा है ना, मसाला देसी आई तो खाना करें हमारा। तो गाइस अभी हम दोनों ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था? हम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये तोप खाना का जैसा नहीं है। अभी हम दोनों शायद तोप खाना का स्पाइसी अड्डा में अभी रेगुलर कस्टमर हो जाएगा होगा शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं छप्पन भोग, भाजू ने बोला कि छप्पन भोग में मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग छप्पन भोग पहुँच गया हूँ, मेरा हालत देख लो, अच्छा लग रहा है। Meanwhile, तो गाइस अभी हम लोग फाइनली बुचर में आ गया। ये अंकल से लिया हम लोग ने मीट, अभी फिर फेमस चिकन अंकल का, फेमस चिकन अंकल। इधर में फिर फिश का भी मिल जाता है, फिश भी है उधर, हांस भी मिलता है। हांस भी है, हांस कम रहता था वो, हांस हांस का भी मीट मिलता है उधर। तो अभी भाभी को लेना है आलू, तभी हम लोग जाते हैं आलू लेने के लिए। तो अभी हम दोनों ले लिया है मीट, अभी जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं आलू लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने सिर्फ मीट मीट लिया, हड्डी नहीं लिया। तो आपको मैं दिखाऊंगी सब्जी इधर का। 25 मैंने लिया, ये भैया से लेटस लिया और मटर लिया, ये मांस। देखो चान आया, चान नजर आया, आया आया आया, देखो।
देखो चांद नजर आया। तो हम लोग ये मसला देखे पूरा कंफ्यूज हो गया कि क्या क्या है, ये कलर चेंज आ जाता बोला। ये लग रहा है हमको, ये नेस्ट जैसा लग रहा है ना। हाँ क्या क्या नेस्ट, बर्ड का, बर्ड का नेस्ट बोला। ये इसका नाम क्या भैया बोल दीजिए तो। इसको मुलेटी, मुलेटी मुलेटी बोलते। क्या डालते हैं इसको, क्या में डालते हैं? खराश खांसी आती है तो खाएंगे। ओ मुलेटी का दवाई भी होता है ना इसका, है ना। ये भाऊजू कुछ बोलेंगे, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ? आज भाऊजू ने मीट मसाला पूछा ना, एवरेस्ट का पूछा था तो नहीं था, तो भाऊजू ने को अलग वाला मसाला दिया, तो उसने गारंटी ली कि आप ये टेस्ट करके इसके बाद बोलना कि कैसा लगा। नहीं तो वापस फ्री में दे दिया भैया को भी वीडियो बनाना है। तो गाइस मैंने ले लिया है ये आपके इधर सुंदर बैग है, सुंदर सा बैग। अभी डायरेक्ट मिलती हूँ मैं आपको घर पे। तो गाइस आज हमारे इधर फिर आए हैं भैया भाभी, तो आपको मैं मिलाती हूँ। ऐसा सा हमरो प्यारा सा भाउजू आज आया नहीं, हमरो दादा अनि यो छ हमरो प्यारा सा नानी, नानी अब काकरा खाते छ नानी जे। यो जो फोदे अनि यो जो भाउजू अभी दादाहरू डिनर गर्दै छ, त्यसको बादमा यो सब खाने का बाद आपको मिलते हैं। को हो नानी कैमरामा? यस को हो कैमरामा? आफ्नो सकल बहुत राम्रोसँग हेर्दै छ कैमरामा। मिठो लाग्यो यो दूर गर्नु दूर। ए मिठो लाग्यो खाँदैछ अब मेरो सब्सक्राइबरहरू त खत्तम हुन्छ। के भयो देखेर खोजेर पोजिसन हेर्नु नि पोजिसन। अङ्कलसँग झाँक्दै सोम गर्दैछ। नमस्ते 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 गर्नु नमस्ते नमस्ते तपाईँको धेरै किन के छ तपाईँको मुखमा? तो गाइस अभी गलेगुट जी चले गए, तो यहाँ पर ये खा रहे खाना हमारे भाउजू भाउजू अनि उसको चाहिँ खाना अहिले पनि चलिरहेछ, कम्पिटिसन चल्दैछ, कम्पिटिसन चल रहेछ गाइस यहाँ पर जो कि तो गाइस ये आज का मेरा यही वीडियो था। अभी भाभी भी खाना वाना खा के चला गया और हमारे जो आज नया नेबर आया भैया भाभी और उसके प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा नानी वो भी चला गया। नानी मतलब मैंने बेबी को बोल रहा प्यार से नानी बोल रही हूँ मैं, तो वो लोग भी चला गया खाना वाना खा के। तो अभी हम लोग ये बिल्डिंग ना थोड़ा सा वो लग रहा क्या हालते भरा भरा कंप्लीट हो गया सब। हाँ कंप्लीट हो गया और फैमिली फैमिली सा लग रहा है ना, जैसे सामने का भैया भाभी उससे भी अम्मी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया और अभी नीचे का भी आ गया।
और यही था मेरा आज का वीडियो। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऐसे ही आप मुझे हमेशा प्यार देते रहिए। अब मुझे मुझे और मोटिवेट लग रहा है ना जितना आप मुझे प्यार कर रहे हो और प्यारा प्यारा सा कमेंट लिख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं आप, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही आप हमेशा मुझे प्यार प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए मुझे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।